हरे कृष्ण, मैं हूं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी। आप देख रहे हैं लक गुरु कार्यक्रम। लक गुरु कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपसे बात करेंगे कुंभ राशि के जातकों के बारे में कि जो कुंभ राशि के जातक हैं उनके लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, उनको किस फील्ड में सफलता मिलेगी, माली हालत कैसी होगी, पारिवारिक स्थिति कैसा रहेगा और रोग और शत्रु के क्या हाल रहेंगे, ये सब आज हम आपको बताने वाले हैं। आपके प्रगति का एरिया क्या होगा, पदोन्नत कैसे होगी, नौकरी किस फील्ड में आपको मिलने वाली है और धन किस क्षेत्र से प्राप्त होने वाला है, ये सब आज हम आपको बताने वाले हैं। आपकी माली हालत कैसी होगी ये भी बताएंगे और आज आपको सावधानियां क्या बरतनी है ये भी बताना है और शुभ अंक क्या रहेगा, शुभ रंग क्या रहेगा और आप उपाय क्या करेंगे, इस पर भी आज हम आपसे बात करेंगे। यदि आपको मेरा कार्यक्रम पसंद आ रहा हो तो आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और यदि आपको ज्योतिष से संबंधित कोई भी समस्या है, कोई जिज्ञासा है तो आप प्रश्न लिखें, हम आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे। उसके लिए आप इनबॉक्स में जाएं, अपना जन्मतिथि, जन्म समय, जन्म स्थान लिख करके भेजें ताकि हम आपके प्रश्नों का उत्तर अगले कार्यक्रम में दे सकें। हरे कृष्ण। अब आइए हम बात करते हैं कुंभ राशि की। तो जो कुंभ राशि के जातक हैं उनके लिए आज का दिन कैसा होगा, आइए उस पर हम बात करते हैं। तो जो कुंभ राशि के जातक हैं, आज आपको चतुर्दिक क्षेत्र से लाभ मिलते हुए दिख रहा है। आर्थिक क्षेत्र में किया गया प्रयास सफल रहेगा, नए तरह के कार्यों में सफलता मिलेगी, धन धान की स्थिति आपकी बहुत अच्छी होगी, रोग और शत्रु परास्त होंगे, नए तरह के व्यापार, नए तरह के कार्य करने की शुरुआत आप कर सकते हैं। माइंस के क्षेत्र में, कंस्ट्रक्शन की फील्ड में या भूमि भवन के निर्माण के क्षेत्र में अगर आज आप कार्य की शुरुआत करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। शेयर इत्यादि न खरीदें, नहीं तो उसमें आपको नुकसान हो सकता है। साझेदारी में कोई भी व्यापार करना है तो उससे परहेज करें, नहीं तो आज आपको भारी नुकसान होते हुए दिख रहा है। स्ट्रेंजर से, किसी भी नए व्यक्ति से, अज्ञात व्यक्ति से कोई लेन देन न करें, किसी प्रकार का डील न करें, नहीं तो आपके पैसे फंस सकते हैं और आपके लिए दिक्कतें हो सकती हैं और आज आप अपने को संकटों से घिरे हुए महसूस करते हैं। तो इससे एकदम केयरफुल रहना, सावधानी बरतनी है और अपने वाणी पर नियंत्रण रखना है, मन को स्वस्थ रखना है, पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव करना है। आज आपके लिए पदोन्नत के लिए बेहतरीन समय है। जहां आप नौकरी करते हैं या जहां कार्य करते हैं तो अपने लोगों के साथ, जो आपके अधीन या जिनके अधीन आप कार्य करते हैं, वो साथियों के साथ आज आपके रिलेशन अच्छे रहेंगे। परिवार में थोड़ी सी वैचारिक मतभेद, मनमुटाव होने की संभावना दिख रही है। आज आपको सावधानी क्या बरतनी है, सावधानी ये बरतनी है कि बहुत जल्दी किसी पर अंधविश्वास ना करें। जितना आप अंधविश्वास करेंगे उतना ही बड़ा आपका नुकसान हो सकता है, तो उससे बचने की जरूरत है और गुस्से में आके कोई कार्य नहीं करना है। और आज आपके लिए, आज आपको उपाय क्या करना है, आज आप क्या करें कि शनिदेव की आराधना करें, ओम संग सनश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें, आपके लिए बेहतरीन रहेगा। और चूंकि सावन का अंतिम दिन है तो अगर आज हो सके तो रुद्राभिषेक करें, भगवान शिव को जलाभिषेक करें, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करना आपके लिए अच्छा रहेगा। आज चूंकि सावन का अंतिम दिन है, रक्षाबंधन भी है, तो आप क्या करें कि हरे रंग का या नीले रंग का राखी ले आएं घर में बधवा में, आपके लिए अच्छा रहेगा। और दूध से बनी या पिस्ते की मिठाई आप खाएं और खिलावें और अपनी बहन को आज चांदी का कॉइन या हरे रंग का कोई वस्त्र या नीले रंग का वस्त्र अगर गिफ्ट करते हैं, चाहे काले रंग का, तो आपके लिए अच्छा रहेगा, शुभ रहेगा। आपके लिए शुभ अंक है 8 और शुभ रंग है काला। हरे कृष्ण।